गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज सुबह मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। मैं उठ के नहा के रेडी हो गई थी, लेकिन प्रियांशी उठी नहीं थी, तब मैंने फिर ये स्टार्ट की। उसको नाश्ता दी एंड चौकुली एंड बुटर, वो जो चने का चटनी है वो बनाई थी। प्रियांशी पहले ऐसे च्यवनप्राश रेगुलरली खाती थी, लेकिन अभी 15 दिन हो गया वो भूल जाती थी, सुबह उठ के नहीं खाती थी ट्यूशन जाने में। तो आज मैंने उसको याद दिलाया कि प्रियांशी च्यवनप्राश खाओ, तो वो खा रही थी। फिर उसके बाद नाश्ता की एंड आज ओडिसी क्लास था उसका, लेकिन वो ऑफलाइन था। एंड प्रियांशी की तबीयत पूरा ठीक नहीं हुआ है, जुकाम उसका अभी तक है, तो इसीलिए मैंने उसको डांस क्लास आज नहीं भेजी, ताकि उसका पूरा बुखार छूट जाएगा, उसके बाद वो जाएगी। इसलिए ऑनलाइन क्लास था तो अच्छा रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ये चौकली और चटनी फिर बनाई रही थी इनके लिए, फिर ये चौकुली एंड चटनी बना रही थी, ये ना के फिर खाएंगे। आज संडे था, लेकिन फिर भी इनका छुट्टी नहीं है, आधा काम करने के लिए ऑफिस चले गए ये नाश्ता करके। फिर दोपहर को मैं खाना बनाई। और प्रियांशी का जुकाम, मतलब उसका नाक बंद हो जा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा स्टीम लेने के लिए बोली, और वो स्टीमर के अंदर मैंने भिक्स और अमृतांजन थोड़ा डाल दी। प्रियांशी बोल रही थी कि उसके अंदर मत कुछ डालो, ऐसे ही स्टीम लेगी, लेकिन ऐसे स्टीम लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता, नाक खुलता ही नहीं। तो मैंने उसको बिना बोले ही दे दी थी, तो देखिए उसको कितना पसीना पसीना आ जा रहा था, ऐसे ऐसे कर रही थी बेचारी। मैं उसको बोली थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वो लो स्टीम, लेकिन वो ली आधा, मतलब 5-6 मिनट के लिए ली और फिर बंद कर दी, और बोल दी कि कितना मिनट ली, 10 मिनट के लिए ली थी, एंड टाइमर दी थी एंड भिक्स भी वो रखी थी, दे रही थी। उसके बाद थोड़ा उसको जुकाम अच्छा लगा, उसको मतलब नाक भी खुला ऐसे स्टीम लेने से। एंड आज भी बारिश बहुत, इसके पापा जैसे ऑफिस चले गए 11 बजे से, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो मैंने प्रियांशी को बोली थोड़ा बारिश भी दिखा दो, तो देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत ही तेज़ बारिश। ऐसा बारिश फिर आज दिन भर ही लगा रहा है, इधर देखिए कितना बारिश है। प्रियांशी को फीवर होता है भी, तो वो नहाती है रेगुलरली, नहाती है, बिना नहाए वो लंच नहीं करती है। मैंने आज बोला उसको कि अगर ज़्यादा ठंडी लग रही है तो नहीं नहाओगे तो बस हाथ पैर धो लो, लेकिन वो कभी बिना नहाए खाना खाती ही नहीं है, तो वो बोली कि नहीं मम्मी नहा लूँगी, तो वो नहाने चली गई। आके फिर वो टीवी देख देख के खा लंच कर रही थी अपना। छुट्टी है ना, छुट्टी के दिन मैं उसको अपने हाथ से खाने दे देती हूँ। जिस दिन क्लास होता है तो मतलब क्लास के बीच में उसको खाना खाना जल्दी नहीं खा पाती है, तो मैं खिला देती हूँ। प्रियांशी आज क्या कूनू बेबे बन गई हो, हाँ झूला में सोओगे, सो क्या ठंडा लग रहा है, बंद कर देते हैं। आज प्रियांशी मेरी कूनू बेबी है क्या, बेबी दवाई लाओ। अरे सर कैसे कर रहे हो, नो दवाई, चॉकलेट लाओ और आइसक्रीम खाओगे। देखो आइसक्रीम के नाम पे इसकी बुखार छू हो जाएगी। और चिप्स खाओगे बेटा, अभी चावल खाए हो ना, थोड़ी देर इवनिंग को खा लेना। आज मेरी बेटी कुन्नू बेबी बन गई। तुम कितने, 1 साल की बच्ची हो क्या, तो मैं तो अभी जन्म हुई हूँ। हाँ बच्चे ऐसे कैसे रोते हैं कि पैदा होने से,
बोली हो? सोचो कि मैं झूठ क्या बोली, आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे को हिचकी आ रही है इसलिए सोचो कौन सा कह रहे हो। झूठ ये है कि तुम अभी अभी पैदा हुई बच्ची नहीं हो, तुम 9 साल अभी तो 10 साल होने वाली की बच्ची हो। इसी फ्रेंड्स अभी तो पैर हो रहा है और मेरे को श्योरली याद है कि किसने कमेंट किया था कि उनको मेरे ये सब अच्छे लगे, तो इसीलिए मैं मम्मी अभी सो रही है तो इसलिए उनके व्लॉग के बीच में मैं सोची कि मैं ASMR कर लेती हूँ, क्योंकि किसने कमेंट किया था उनको चाहिए था तो इसलिए मैं बना रही हूँ ASMR। तो देखिए एक चीज़, मैंने अभी अभी एक स्लाइम बनाया था जो बहुत अच्छे से बना है तो इसलिए मैं उसका ASMR करूँगी। रेडी? फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। तो सॉरी, ये मैं स्लाइम बनाई थी, स्लाइम के साथ मैं खेल रही हूँ। मेरे को ये स्लाइम एक्चुअली बहुत अच्छा लगा है, इट्स काइंड ऑफ वेरी नाइस एंड स्ट्रेची भी है थोड़ा, बट टूट जाता है थोड़ा जल्दी, नहीं टूटता है बट स्ट्रेची है। इट्स लुकिंग लाइक अ टंग। ये बहुत मज़ेदार है ये स्लाइम, काइंड ऑफ मैं एक बार बनाई थी ऐसा स्लाइम किटिंग मंगाया था, एक बार बनाया था ऐसा स्लाइम किट आया था, बट तब वो इतना स्ट्रेची नहीं बना था, थोड़ा जल्दी टूट जा रहा था, तो दिस वन इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेची, तो इसलिए मेरे को ये पसंद आया। इसमें मैंने 3 टाइप्स ऑफ ग्लूज को डाल दिया था, फेविकॉल एंड 1 ग्लू जो आया था वो स्लाइम किट में, एंड अनदर 1 वॉज दैट सेम टाइप ऑफ ग्लू, एक ग्रीन वाला था, मैं आपको दिखाऊंगी वो थोड़ी देर में ही, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग प्लेइंग विद माय स्लाइम, इट्स वेरी नाइस। एंड मैं सोच रही थी कि कुछ और भी बनाऊँ, बट अभी 4 o'clock हो गया है, मम्मी बोली कि वो 1 घंटा सोएगी, तो इसलिए मैं सोची कि हाँ ठीक है मम्मी को सोने दो, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे स्लाइम का ASMR, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा स्लाइम कैसा बना भी है, तो आई होप यू एंजॉय। मैं सोच रही हूँ कि गुड इवनिंग, तो अभी टाइम हो रहा है 5:10 एंड मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती थी कि हाउ स्ट्रेचीज माई स्लाइम। ओके, सो मैं 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ, दिस इज मेरे हाइट को हो जा रहा है जितना स्ट्रेच करो ऐसे, तो इनफैक्ट ये अपने आप भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो जा रहा है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना हो पाएगा। अभी ये इतना स्ट्रेच हुआ है, स्क्रीन पर आ जा रहा है, मैं थोड़ा दूर रखूँगी, वन देखो ये मेरे हाइट का हो जाएगा। अभी मम्मी सो ही है रूम में, वी विल वेट, मेरे हाइट का हो जाओ थोड़ा जल्दी, कुछ मैं स्ट्रेच कर रही हूँ थोड़ा, फिर टूट आ जाए, मैं 2 बार कर चुकी हूँ अभी से, तो इसको टूट जाना नहीं चाहिए, अदरवाइज आई विल बी रियली अपसेट, इसलिए इसको नहीं टूटना चाहिए अभी से। प्लीज अभी तक ये इतना स्ट्रेच हुआ है, still coming in the screen, oh no, यहाँ से टूट गया, जितना पार्ट टूट गया मैं इसको यहाँ रख दूंगी, yes, ये अपने आप अभी स्ट्रेच होगा, you need to wait until it stretches, stretch,
स्ट्रेच स्ट्रेच मैन मैन कमिंग इट्स कमिंग बिलो सी 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 ऑल ओवर इट इट्स कमिंग बिलो ओके अभी ग्राउंड अभी ये थोड़ा न्यू पेयर ऑफ इयररिंग्स हो गया वाइल्ड फ्रेंड्स ये ग्राउंड टच करने ही वाला था आई एम नॉट लाइंग ये सच्चे में नीचे सी दीदी का तबीयत खराब है नीमो तुम कैसे अच्छे से खेल रहे हो कल ठीक हो जाएगा दो दिन हो गया ना कल जैसे भी वो ठीक हो जाएगा फीसी को मैं खाना दे रही हूँ खा लो बेटा देखो आओ कैसे खा रही है देखो सब गप्पा गप खा ली प्रियांशी को देखो फ्रेंड्स उसका पढ़ाई कर ली और ऐसे बैठी है बेटा थोड़ा अच्छा लगा तबीयत इधर देखो तो टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है प्रियांशी का बस नाक बंद है और ठंडी की वजह से मैं अभी ये इसमें सरसों का तेल है वो लेके उसके पूरा पैर में हाथ में सब में मसाज करूँगी अब रात को उसको खाना दे दूँगी आज क्या खाओगे दूध और रोटी खाएगी आज प्रियांशी एंड पढ़ाई भी कर ली थोड़ा मैथ कंप्लीट की छोरा दो एक्सरसाइज ओनली की हो ठीक है ओके पेट भी उसका थोड़ा दुख रहा है और आलस आलस लग रहा है दोपहर को प्रियांशी आज स्लाइम बनाई थी स्लाइम थोड़ा दिखा दो और खेल रही थी वो वीडियो में है ओ मेरी बच्ची का तबीयत ख़राब है तो मुझे सैड फील हो रहा है जल्दी ठीक हो जाए एंड दो दिन से मतलब प्रियांशी का कोई भी वीडियो हम शूट भी नहीं किए हैं आज संडे तो आज मेरा पूरा वीकेंड बर्बाद आज पूरा हाँ सैटरडे भी वीकेंड बर्बाद हो गया प्रियांशी का एंड आज भी एंड एंड पढ़ाई में भी मतलब कम पढ़ रही है अच्छा नहीं लग रहा है उसको तबीयत तो मैं भी उसको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि ज़्यादा पढ़ो आओ गुड नाइट बोल दो फ्रेंड्स लोगों को फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो देखो प्रियांशी का मुंह भी कितना सूख गया है ना आपको आज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय बाय कीप वाचिंग